ओके चलो ठीक स्टार्ट करते हैं। लिखो जरा टॉपिक नेक्स्ट। चेन प्रॉब्लम्स, चेन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करेंगे, चेन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक, और उसके बाद फिर कुछ ऑब्जेक्टिव शीट करेंगे। अभी तो चेन, जैसे हमने लास्ट टाइम स्प्रिंग की कुछ प्रॉब्लम्स की थी, स्प्रिंग की प्रॉब्लम्स एज सच कुछ ऐसा नहीं था कि वो कोई कोर्स का पार्ट था, बस वो ये था कि जो स्प्रिंग की प्रॉब्लम्स हैं, बुक्स में जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको हेल्प करेंगे उन टाइप की प्रॉब्लम्स कि आपको वो क्वेश्चन आसान लगने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको पता होगा कि क्या करना है। ऐसी चेन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद फिर कुछ ऑब्जेक्टिव शीट करेंगे। तो चेन की कुछ प्रॉब्लम्स में सबसे पहली प्रॉब्लम है कि लेट अस सपोज आपके पास एक चेन है जिसका मास एम एंड लेंथ इज एल। ये चेन का कुछ पोर्शन यहां पर सस्पेंडेड है, कितना, एल बाई सिक्स। और आपको क्या निकालना है, फाइंड वर्क टर्न इन पुलिंग द चेन ऑफ लेंथ एल बाय सिक्स ऑन द टेबल। टेबल पे एल बाय सिक्स पोर्शन को रखना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। एम जी एल बाय 72, सही है। देखो सबसे पहली चीज, इसको हम करेंगे बाय मेथड नंबर वन, जो अभी आपने आंसर दिया भी कि अगर ये चेन है, इस चेन की क्योंकि एल बाय सिक्स पोर्शन यहां पर है, सबसे आसान मेथड सेंटर ऑफ मास का होता है। हम ये मान लेते हैं कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है। टोटल लेंथ एल बाय सिक्स है तो मास कितना है, एम बाय सिक्स है। तो इस पोर्शन का मास m बाय सिक्स यहां पर पड़ा हुआ है एट इट्स सेंटर ऑफ मास, यहां पर पड़ा हुआ है। और जिसका डिस्टेंस यहां से कितना है, l बाय सिक्स का आधा कितना है, l बाय 12 है, l बाय 12 है। और ऐसे क्वेश्चन में हम ये मानते थे कि प्रॉब्लम ये थी कि मास चेन का यहां पर भी है, 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 यहां पर भी है। तो हम हर किसी पोर्शन को उठा के रखने का वर्कडन जब कैलकुलेट करेंगे, सबसे ज़्यादा वर्कडन लगेगा जब ये वाला पोर्शन को टेबल पे रखा जाएगा, फिर इस पोर्शन के लिए कम वर्कडन, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, क्योंकि डिस्टेंस कम होता जा रहा है टेबल से। और टोटल वर्कडन निकालने के लिए सभी वर्कडन को मिलाना पड़ेगा। बजाय कि इसके हम एक तरीका निकालते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि पूरी की पूरी चेन का मास सेंटर ऑफ मास पे पड़ा हुआ है, लेंथ अगर एल बाय सिक्स है तो मास एम बाय सिक्स है, तो टेबल से इसका डिस्टेंस एल बाय 12 है। तो सिंपली हम यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं विच विल बी इक्वल टू वही पोटेंशियल एनर्जी जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। तो कितना होगा, एम बाय 6 इंटू जी इंटू हाइट की जगह एल बाय 12। तो ठीक बोला आप लोगों ने, एम जी एल बाय 72 इज दी आंसर। ये मेथड नंबर वन है। तो मेथड नंबर वन में हम क्या करते हैं, मेथड नंबर वन में हम सेंटर ऑफ मास लेते हैं और सेंटर ऑफ मास की फॉर्म में हम वर्कडन कैलकुलेट कर देते हैं कि इस मास को ऊपर उठाने का कितना वर्कडन है, वही अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और वही अमाउंट ऑफ वर्कडन होगा हमारा। ठीक, ठीक है यहां तक। अब इसमें मेथड नंबर टू, मेथड नंबर टू इज द एक्चुअल मेथड, वो तो शॉर्टकट है। मेथड नंबर टू में सेम क्वेश्चन किया जाएगा बाय इंटीग्रेशन, क्योंकि एक्चुअल में तो हमें छोटे छोटे अमाउंट ऑफ वर्कडन कैलकुलेट करने हैं या स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है,
फिर इंटीग्रेट करके अपना आंसर निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि लेट अस सपोज जहां पर चेन खत्म हो रही है ये हमारा ग्राउंड लेवल है, जहां चेन खत्म हो रही है ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड है। ठीक, ये ग्राउंड लेवल है, कुछ भी मान सकते हैं ग्राउंड, ऊपर नीचे यहां मान लो, सबसे आसान यही होता है चेन के एंड पर मान लो। तो अब एक काम करो, इस चेन का एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करो, कितना, डीएम, और जिसकी लेंथ कितनी है इसमें, डीएक्स, डीएम की लेंथ कितनी है, डीएक्स, और इस एलिमेंट को कहां कंसिडर करो, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो एक्स डिस्टेंस पर, ग्राउंड से एक्स हाइट पर इस एलिमेंट को हमने कंसिडर कर लिया। हाँ जी, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आप एक स्मॉल एलिमेंट लो, मैं बेसिकली करने क्या वाला हूँ, मैं इस लटकती हुई चेन की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूँगा। इस एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, इसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूरी चेन की निकाल लूँ, तो पूरी चेन की पोटेंशियल एनर्जी इन सबका सम होगा, छोटी छोटी पोटेंशियल एनर्जीज का। तो जो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी टोटल, वही अमाउंट ऑफ वर्क डन मुझे करना पड़ेगा चेन को ऊपर रखने के लिए। तो बेसिकली मुझे क्या ढूंढना है, मेरे को इस पूरी चेन की पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना है। उसमें भी वही ढूंढा हुआ, देखो पूरी लटकती हुई चेन की पोटेंशियल एनर्जी ढूंढी, वही अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी ढूंढने का तरीका, स्मॉल एलिमेंट की हाइट ग्राउंड से कितनी है, एक्स, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ या पोटेंशियल एनर्जी या स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा इसमें, डी एम इंटू जी इंटू एक्स, हाइट कितनी है ग्राउंड से x, मास कितना है dm, और g तो g रहेगा, तो dm इंटू जी इंटू एक्स। और देखो जो फर्स्ट एलिमेंट, ऐसे तो कई एलिमेंट्स होंगे dm 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 dm, तो जब पहला एलिमेंट होगा उसके लिए x क्या होगा, जीरो, अगले एलिमेंट के लिए x बढ़ेगा, अगले के लिए x और इंक्रीज हो जाएगा, करते करते आखिरी एलिमेंट की हाइट x क्या होगा, l बाय सिक्स। तो हम लिमिट लगा देंगे इसमें x की, जीरो से लेके l बाय सिक्स, ये dx नहीं, हाइट x है ना, dx पोर्शन का तो ये काम है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मास dm। तो dm की वैल्यू क्या होगी, मास पर यूनिट लेंथ कितना है इस चेन का, m by l, और लेंथ कितनी है इस चेन की, स्मॉल dx। तो dx पोर्शन से क्या आएगा, स्मॉल मास dm आएगा। तो यहां पर dx नहीं होगा, छोटा मास है, लेकिन छोटा मास कितनी हाइट पर है, x हाइट पर है, तो dx हाइट पर नहीं है, ठीक है। आपने मास जरूर स्मॉल लिया, पर उसकी हाइट थोड़ा स्मॉल लोगे, हाइट तो उसकी बराबर ही होगी ग्राउंड से, जो कि एक्स है, समझ में। मतलब डीएम इज एक्टिंग लाइक अ पॉइंट मास, मैंने बहुत बड़ा दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में दिस इज वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। यहां तक ये स्टेप क्लियर है। तो डीएम की वैल्यू को यहां पुट करते हैं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बाय एल इंटू डीएक्स इंटू जी इंटू कितना, एक्स। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी इंटू कितना, डी एक्स। तो आपके पास क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्कडन आ गया। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्कडन किसका, इस डी एम का एक्स हाइट पर लाने के लिए, या इसकी एनर्जी आ गई स्मॉल मास इंटू जी इंटू एक्स। और टोटल वर्कडन अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, एम कॉन्स्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट है, जी कॉन्स्टेंट है, एक्स की इंटीग्रेशन करने वाले हैं हम कहां से कहां तक। एक्स की लिमिट देखते हैं, पहला एलिमेंट कहां पर पड़ा होगा, यहां पर, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। फिर आखिरी एलिमेंट कहां पर है, एक्स की वैल्यू एल बाय सिक्स, तो जीरो से लेके एल बाय सिक्स। तो यहां से टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी एम जी बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू
कहां से कहां तक, जीरो से लेके एल बाय सिक्स तक. तो वर्क डन इज इक्वल टू एम जी टू एल एक्स स्क्वायर जीरो से लेके एल बाय सिक्स तक. तो वर्क डन इज इक्वल टू एम जी बाय टू एल एल बाय सिक्स का होल स्क्वायर. चेक कर लो आंसर क्या आ रहा है, एम जी एल डिवाइडेड बाय 72. ऑब्वियसली सेंट्रो मास से किस मेथड से सॉल्व करना, आंसर है सेंट्रो मास से. लेकिन देखो मेडिकल में तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सच बताऊं मेडिकल वालों को इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन लोगों को तो सेंट्रो मास से सॉल्व हो जाता है, उनका क्वेश्चन का लेवल इससे ऊपर नहीं आता क्योंकि उनको 45 क्वेश्चन करने हैं, तो कहाँ इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे, तो सेंट्रो मास से काम चलता है. नॉन मेडिकल वालों की क्या प्रॉब्लम है, वो चेन, क्योंकि अभी तो आप सेंट्रो मास लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, क्योंकि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और मास अगर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी चेन पे तो सेंट्रो मास कहां पर मिलेगा, सेंटर पे. कल को वो कह देगा कि चेन जो है यहां पे उसकी डेंसिटी ज्यादा है, यहां कम 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 कम, यहां भारी है यहां हल्की है, अब सेंट्रो मास सेंटर पे मिलेगा ही नहीं. क्वेश्चन कहां से कर लोगे सॉल्व, इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा. तो आपको डेंसिटी गिवन होगी, मास बाय लेंथ की रेशियो कुछ गिवन होगी, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्म होगा. ये जरूरी नहीं है नॉन मेडिकल वालों को, मेडिकल वालों को जरूरी है, उनका तो सेंट्रो मास से डन है. समझ में आ रहा है यहां तक, तो 99% चांस है कि सेंट्रो मास से बात बनेगी, बट ये इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को एटलीस्ट मेथड आना चाहिए, अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा. ठीक. अब जो लोग एच सी वर्मा की बुक फॉलो करते हैं या करना चाहते हैं, उस बुक में फर्स्ट पेज से लेके एंड तक सब कुछ उल्टा हुआ हुआ है, या ये बोल लो वो सीधा काम करता है, हम उल्टा करते हैं. ठीक. कैसे, उस बुक के अंदर सेम क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, लिखो मेथड नंबर 3 तीसरे मेथड से, ताकि जो लोग वो बुक्स पढ़ रहे हैं या उस टाइप की उस लेवल की बुक्स पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि वो क्या बोलता है. ठीक. एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि ये भी एक तरीका है. क्या कि सपोज आपके पास सेम प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो, लेकिन ग्राउंड का लेवल वो कभी नीचे नहीं मानेगा, ग्राउंड का लेवल वो टेबल का टॉप मानता है. दिस इज द रेफरेंस लाइन, तो दिस इज द ग्राउंड. अब जब वो ग्राउंड ये लेता है, एलिमेंट वो भी लेता है इंटीग्रेशन करने के लिए, तो ग्राउंड से इसका डिस्टेंस नीचे की बजाय वो कहां से लेता है, ऊपर से लेता है. तो डायग्राम ड्रॉ करो. तो जो लोग ग्राउंड ऊपर लेंगे तो वो फिर एक्स जो एलिमेंट है वो नीचे से नहीं लेंगे, वो कहां से लेंगे, ऊपर से लेंगे. याद क्लियर है ये पॉइंट? ठीक. अब देखो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है. अब वो क्या करेगा, वो भी पोटेंशियल जी निकाल लेगा. सबसे पहले स्टेप में वो ये करेगा, क्योंकि अगर ग्राउंड यहां पर है और आपका एलिमेंट नीचे है तो वो बोलता है कि देर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ग्राउंड से अगर ऊपर चीज जाती है देर इज इंक्रीज इन पोटेंशियल. अब जब ग्राउंड यहां लिया था, हम यहां पर खड़े थे और हमें वो एलिमेंट ऊपर दिख रहा था, हमने बोला इंक्रीज है, हमने पॉजिटिव लगाया. अब जो ग्राउंड पे यहां खड़ा हो जाएगा उसको चेन नीचे दिखेगी, नीचे का मतलब उसको क्या लिखेगा, देयर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल. तो वो साइन क्या लगाएगा, यहां पर माइनस लगाएगा. तो जो भी ग्राउंड के नीचे का एलिमेंट है वहां पर साइन क्या आएगा, माइनस आएगा. ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट. अब यहां पर भी माइनस सेम, यहां पर भी माइनस सेम हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा, एवरीथिंग इज सेम. एंड में वो क्या करेगा, यहां पर लिमिट्स को उल्टा कर देगा. कैसे,
देखो लिमिट्स के लिए वो क्या कहता है कि मान लो आप ग्राउंड पे यहां पे खड़े हो, आपको पहला एलिमेंट ये दिख रहा है और ग्राउंड से उसका डिस्टेंस कितना दिख रहा है L/6, और आखिरी एलिमेंट ये दिख रहा है तो ग्राउंड से उसका डिस्टेंस क्या दिख रहा है 0। अब जब हमने एलिमेंट नीचे से लिया था तो पहला एलिमेंट 0 पे था, आखिरी L/6 पे, इसके लिए पहला एलिमेंट नीचे है L/6 और आखिरी कहां पर 0, तो लिमिट लगेगी L/6 से। तो अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं, लिमिट को उल्टा किया और साइन माइनस लगा दिया, बात तो एक ही इंटीग्रेशन में, जब लिमिट पुट करोगे तो अपने आप ही वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर रिमेन सेम। ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि उस बुक को फॉलो करने वाले जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे उसमें ग्राउंड का लेवल प्लीज ऊपर ही लिया गया है, तो वो माइनस साइन के साथ करेगा, पर इन द एंड आंसर इसलिए पॉजिटिव आएगा उसकी लिमिट से उल्टी है, हमने इसको फॉलो करेंगे। मेरी आदत है मैं ग्राउंड को सबसे नीचे रखता हूँ ताकि हर चीज पॉजिटिव में ही दिखाई दे मुझको। मैं मेथड नंबर 2 को ही फॉलो करूंगा इफ नीडेड, कोशिश करूंगा मेथड नंबर 1 से बात हो जाए तो बेस्ट है। ठीक, ठीक समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मैं आपको कुछ टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए और देखते हैं कितने लोग करेंगे। सो क्वेश्चन इज कि सपोज आपके पास एक चेन है, कुछ ऐसे चेन है, और चेन का कितना पोर्शन हवा में लटक रहा है L/3, L/3, और टोटल मास m है और लेंथ l है, तो कितना टेबल के ऊपर है 2L/3। ठीक, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ चेन व्हेन इट कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ टेबल, व्हेन इट्स कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ द टेबल, बस चेन को छोड़ दिया, चेन नीचे गिर गई, जैसे ही 2L/3 नीचे आया बताओ चेन की काइनेटिक एनर्जी क्या थी। और इसको, इसका आंसर बता रहा हूं मैं, कोई प्रूव कर सके तो प्रूव कर दे। आंसर इज 4/9 mgL, ये इसका आंसर है। और प्लीज हाफ एम वी स्क्वेयर से नहीं सोचना, काइनेटिक एनर्जी सुनते ही लोग ये सोचते हैं। चेन के केसेस में हम क्या करते हैं, इफ यू कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज जब नीचे आएगी तो देयर डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो जितना डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, तो बस आप डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो वही आंसर होगा। तो आप प्लीज हाफ एम वी स्क्वायर मत निकालना, जस्ट फाइंड डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी।
देखो कुछ बात तो ठीक ही कह रहा है, कुछ चेंज चूंज करके उसने निकाल दिया जैसे जैसे करके, आंसर ना बताता तो शायद ना निकाल पाता, बट द पॉइंट इज कि आंसर देखते हुए उसने कुछ बोलने की कोशिश तो की है। थोड़ा मैं उसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मेथड नंबर वन से करते हैं। मेथड नंबर वन में सेंटर ऑफ मास से करेंगे प्लीज, इजी मेथड से। सेंटर ऑफ मास में लेट अस सपोज, इमेजिन करते हैं कि पहले ये चेन पूरी की पूरी हवा में लटक रही थी L। आप कहोगे कि क्यों लटक रही थी, उल्टा हमने तो चेन को नीचे गिरना था। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले वो हवा में लटक रही है और मेरा क्वेश्चन का आंसर दो, मेरे को पूरी की पूरी चेन को ऊपर रखना है, फुल चेन को ऊपर। तो पहले तो यही क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि चेन को ऊपर क्यों रख रहे हैं जबकि चेन को तो नीचे गिराना है। दो मिनट के लिए मेरा आंसर दो, चेन को मुझे ऊपर रखना था, पूरा ऊपर रखना था। तो पूरा ऊपर रखने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास ले लें, सेंटर ऑफ मास पे कितना मास पड़ा हुआ है m, और ये लेंथ कितनी है l बाई टू। तो बोलो कितना m g l बाई टू, कोई डाउट इसमें सिवा इसके कि मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं। चलो मान लिया कि इसको ऊपर रखने में इतना वर्कडन मुझे करना पड़ेगा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही वर्कडन करना पड़ेगा इसको ऊपर रखने में। नेक्स्ट सपोज करो, लेट अस सपोज चेन की अभी कितनी लेंथ हवा में है, एल बाई थ्री, एल बाई थ्री। तो टेबल पे कितनी है, टू एल बाई थ्री। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस चेन को उठा के एल बाई थ्री पोर्शन को ऊपर रखना है, नीचे नहीं गिरना अभी भी, ऊपर रखना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप इसका फिर से क्या ढूंढोगे, सेंटर ऑफ मास जिसपे मास कितना पड़ा हुआ है, एम बाई थ्री, और ये हाइट कितनी हो जाएगी, एल बाई सिक्स। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, एम बाई थ्री जी इंटू कितना, एल बाई सिक्स। ठीक है यहां तक? तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एम जी एल बाई एटी। ठीक है यहां तक? अब मेरा क्वेश्चन ये थोड़ा था कि पहले L को ऊपर रखो फिर L बाई थ्री को ऊपर रखो, मेरा क्वेश्चन था 2L बाई थ्री को नीचे गिरो और तब बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये चेन नीचे गिरती है, अब अगर ये चेन नीचे गिरती है तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी एम जी एल बाई टू माइनस एम जी एल बाई एटीन, जिसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा 4/9 एम जी एल। और जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वही इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इसको तो ऊपर लेके जा रहे हैं, और जबकि क्या बोल रहे हैं कि जब ये चेन नीचे गिरेगी तो ये डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है। प्लीज कोई इस स्टेप को मुझे समझा दे, मैंने क्या बोला, क्या आपको एकदम समझ में आया ये क्या बोला? बहुत कम लोग हैं जिनको ये शायद इमेजिन बहुत बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन क्या है, 2L बाई थ्री चेन को नीचे गिरना, मैंने क्या निकाला, L पोर्शन को ऊपर चढ़ाना, और L बाई थ्री को अगर ऊपर चढ़ाया जाए तो कितना अमाउंट ऑफ वर्कडन करना पड़ेगा, दो वर्कडन आगे W1 W3, और फिर दोनों वर्कडन को माइनस कर दिया। और फिर मैंने ये बोला कि जितना भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी वही अमाउंट ऑफ वर्कडन होगा जब 2L बाई थ्री नीचे गिरेगा। देखो सपोज करो, जस्ट अपने मन में इमेजिन करना है, मैंने एक स्टूडेंट को ये कहा कि देखिए चेन लटक रही है, उसने कहा ठीक। मैंने उसे ये कहा कि देख अगर तू ये चाहता है कि मैं इस चेन को पूरा टेबल पे रख दूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, उसने कहा ठीक। उसने पूछा सर कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मैंने कुछ हिसाब से लगाया इतना, आप
उनके लिए सपोज करो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा 10 जूल, इमेजिन, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आती है 10 जूल, कुछ भी 10 जूल मान लिया। अब मैंने उस स्टूडेंट से पूछा कि बोल क्या मैं इसको ऊपर रख दूं, उसने कहा ओके सर शुरू करो। मैंने लगाया 1, 2, 3, 4, 5 जूल, 6 जूल, मैं लगा रहा था अभी, उसने कहा सर रुक जाओ। कहाँ रुक जाओ, यहाँ पे उसने मुझे रोक लिया। जब लेंथ कितनी लटकी हुई है, L/3। अब मैंने उससे ये पूछा कि तूने मेरे को रोक लिया, बता L/3 को उठा के टेबल पे रख दूँ, उसने कहा सर बताओ कितना वर्क डन लगना पड़ेगा करना पड़ेगा। और मैंने कहा देख ऐसा है कि 3 जूल का वर्क डन तो मैं कर चुका हूँ अभी तक, 3 जूल का, ठीक, या सपोज करो मैंने उसको ये आंसर दिया कि अगर तू चाहता है कि इसको भी उठा के ऊपर रखा जाए तो 7 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा मुझे और, टोटल अगर पूरा रखवाना चाहता है तो 10 जूल, और अगर ये सिचुएशन में तूने मेरे को रोका और इस पोर्शन को ऊपर रखवाना चाहता है तो 7 जूल। तो उसने मुझसे पूछा कि सर फिर आपने अभी तक कितना वर्क डन कर लिया, तो मैंने कितना बोला 3 जूल का, 7 जूल का तो अभी पड़ा है ना वर्क डन करना, क्या पॉइंट समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने 10 जूल में से 7 जूल के वर्क डन को माइनस किया तो क्या आया 3 जूल, यानी कि इतने पोर्शन को टेबल पर रखने के लिए कितना वर्क डन किया गया 3 जूल। ये स्टेप समझ में आ रहा है, राइट। फिर देखें, मैंने उस स्टूडेंट से कहा कि देख चेन लटक रही है, पूरी चेन अगर टेबल पर रखवाना चाहता है तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा, और जब मैं रख रहा था उसने मेरे को यहां रोक लिया, मैंने कहा देख अगर तू L/3 को भी रखवाना चाहता है तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसने मुझसे पूछा सर आपने अभी तक कितना वर्क डन किया, तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया माइनस, तो इतना वर्क डन मैंने कर लिया। तो ये वर्क डन कितने पोर्शन का आया, 2 L/3 का आया। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, ठीक यहां तक। तो इतना वर्क डन 2 L/3 पोर्शन को रखने में आया, ठीक। उसने कहा सर देखो मेरे पास इतने तो 7 जूल का वर्क डन तो मैं नहीं करवा सकता, आप एक काम करो चेन को छोड़ दो, चेन को छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए वर्क डन। मैंने चेन को छोड़ दिया, चेन को छोड़ते ही बताओ 3 जूल का वर्क डन स्टोर था, चेन नीचे गिर गई, पोटेंशियल जी चेन की डिक्रीज हो गई कितनी बाय एन अमाउंट, जब ये चेन वापस ऐसे आ गई तो कितनी डिक्रीज हुई होगी 3 जूल, 3 जूल के जितना मैंने वर्क डन किया उतनी ही डिक्रीज हो गई, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें देखें, तो इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन टेबल पर रखने के लिए किया, जब मैंने कहा कि चलो तू छोड़ दे इस चेन को, तो इतना ही अमाउंट ऑफ वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
सेकेंड मेथड अगेन वही ग्राउंड वाला मेथड है, इंटीग्रेशन करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। मेथड नंबर टू में देखो क्या करेंगे, मेथड नंबर टू सेम चीज है। देखो ये मैं क्या मानूंगा, इसे ग्राउंड, ग्राउंड मान के स्मॉल एलिमेंट लूंगा कितना, डीएम, जिसकी लेंथ है डीएक्स और एलिमेंट कितनी हाइट पर, एक्स, अभी जो कर रहे थे हम, ठीक वही जो मेथड जो मैं यूज कर रहा था अभी। तो पहले मैं ये मानूंगा कि चेन पूरी की पूरी एल लेंथ चेन का ऐसे है, डीएम ग्राउंड या रेफरेंस लाइन और ये एलिमेंट कितने हैं एक्स और ये कितने हैं डीएक्स। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी एम इंटू जी इंटू एक्स, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बाय एल इंटू डी एक्स इंटू जी इंटू एक्स। वही सेम मेथड कर रहा हूं जो पिछले क्वेश्चन में किया था। टोटल वर्क डन के लिए मैं इसे क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा एक्स डी एक्स को कहां से कहां तक, जीरो से लेके एल तक। मतलब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा कि मैं वर्क डन निकालूंगा जब पूरी की पूरी चेन को हमने कहां पर रखना है, टेबल पे। तो इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, ठीक है यहां तक। और सेकेंड केस में यह करूंगा कि मान लो चेन का कितना पोर्शन हवा में है, एल बाय थ्री पोर्शन हवा में है, और इस केस में ये ग्राउंड लेवल है, और अगेन मैं डीएम लूंगा डीएक्स, एग्जैक्टली सेम, सब कुछ सेम, बस लिमिट्स का ही फर्क होगा। मैं सीधा लिख रहा हूं एम बाय एल इंटू जी एक्स डीएक्स की जो लिमिट लगेगी जीरो से लेके कितनी लगेगी, एल बाय थ्री लगेगी। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा एम जी एल बाय कितना, एम जी एल बाय टू, और इसको सॉल्व करके एम जी एल बाय 18, जो भी पुराना आंसर वही सेंटर ऑफ मास से सीधा कर दिया था, इसमें इंटीग्रेशन से कर दिया, बाकी मेथड इज सेम। मतलब ये दोनों आंसर हमने निकाल तो लिए थे ना, पर हमने कैसे निकाले थे, विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन से क्यों कर रहे हैं हम, सेंटर ऑफ मास से हमने सीधा आंसर निकाल ही लिया बिना इंटीग्रेशन के। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि बुक्स में कैसे किया हुआ है। और एच सी की बुक जो लोग करेंगे उसका सॉल्ट एग्जाम्पल है, सुन लो वो क्या करेंगे, ग्राउंड कहाँ मानेंगे, टेबल के ऊपर, यहां साइन वो बुक में क्या लगाएगा, माइनस, तो लिमिट भी क्या लगाएगा, उल्टी। लेकिन ये चीज क्या आएगी, एग्जैक्टली सेम। समझ में आ रहा है यहां तक, तो बिल्कुल सेम चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर ऐसे भी आना चाहिए, मुझे आप करना चाहो तो वेरीफाई कर लो, सारे मेथड को छोड़ दो, एक ही लाइन में आंसर निकालते हैं। कैसे, आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सेम मेथड एम बाय एल इंटू जी इंटू एक्स डी एक्स तक सेम रखेंगे, लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे एल से लेके एल बाय थ्री तक। देखो ना, टोटल लेंथ पहले एल थी, अब फाइनल लेंथ सेकेंड डायग्राम में कितनी रह गई, L by 3, तो चेंज इन एनर्जी कितनी होगी L से लेके L by 3। एक मिनट इंटीग्रेशन करना, क्या आंसर आ रहा है इसका, इंटीग्रेशन करके जब लिमिट पुट करके बताना क्या आंसर आ रहा है, सीधा 4 by 9 आ गया। इसका आंसर चेक करना, माइनस 4 by 9 MGL, ऐसे आ रहा है, हाँ कर लो कर लो। कोई बुक नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा देख लो L लिमिट है L by 3 है, तो सीधा माइनस करोगे सीधा ही आंसर आएगा, दिस इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, एक ही बारी में आ गया। ये सबसे फोर्थ मेथड सबसे सही है, ये सबसे सही है, एक ही लाइन में आंसर आएगा, और क्या चाहिए आपको, ज़्यादा ठीक है। इंटीग्रेशन करनी ही पड़ गई तो दो बार तो नहीं करनी पड़ेगी, फिर माइनस करो, इससे अच्छा एक ही बार कर दो। देख लो L है, फाइनल L by 3 है, L से L by 3 आंसर।
ठीक है यहाँ तक, तो कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन चेन के सेंटर ऑफ मास से ही हो जाए, ज्यादा बेटर है। नहीं होंगे तो फिर इंटीग्रेशन देखेंगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेन का आप सॉल्व करोगे, इसका आंसर आप दोगे क्या होगा? सो क्वेश्चन इज, सपोज देयर इज अ चेन हैंगिंग, सीलिंग से हैंग कर रही है, इसकी लेंथ इज एल, दिस इज ग्राउंड एंड सपोज दिस हाइट इज एच। आपको बता रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन, बस लटकी हुई है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन, और चेन का मास इज एम। मास को क्या अदा कर रहा है, चेन का मास थोड़ा हाफ हो जाएगा। सबसे पहली चीज, चेन लटक रही है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, नॉन यूनिफॉर्म तो आएगा ही नहीं इसमें। हम ये मानते हैं कि चेन का पूरे का पूरा मास कहां पर पड़ा हुआ है, इसके सेंटर ऑफ मास पे। तो अगर आपने पूरी चेन को एम मास की फॉर्म में ले लिया तो चेन को देखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा बोलो कि आपको मास कहां दिख रहा है, यहां पे। ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, एल बाई टू प्लस एच, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, टोटल मास एम इंटू जी, और हाइट कितनी, एल बाई टू प्लस एच। आंसर क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर सपोज देयर इज अ नेल, नेल है और इस नेल के ऊपर ये चेन लटकी हुई है कुछ ऐसे। चेन का मास है एम एंड चेन की जो लेंथ है वो है 2L। 2L का मतलब ये L और ये L। ठीक, नेक्स्ट केस में आपने इसे डिस्टर्ब कर दिया और ये चेन नीचे गिरनी स्टार्ट हो गई कुछ इस तरीके से, सच दैट ये लेंथ कितनी है 2L। ठीक, तो आपने इसको डिस्टर्ब किया तो चेन गिरनी स्टार्ट हो जाएगी और पूरी की पूरी कुछ इस सिचुएशन में आ जाएगी। आपको बताना है कि फाइंड स्पीड ऑफ चेन, आपको वेलोसिटी बतानी है, वी बताना है, स्पीड ऑफ चेन बतानी है जब ये पूरी की पूरी नीचे आ गई।
ओके ठीक, सबसे पहले इधर देखो एक काम करते हैं, या तो नीचे ग्राउंड ले लो या ऊपर ले लो, चलो नेल को ही ग्राउंड मान लेते हैं, ये आपका ग्राउंड है। तो अगर ये ग्राउंड है तो फाइनल एनर्जी देखें, जब चेन नीचे आ गई, फाइनल एनर्जी में मास ऑफ द चेन कितना है, एम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करें यहाँ कहीं होगा, जिसका डिस्टेंस ग्राउंड से कितना होगा, एल होगा, 12 का आधा कितना हो गया एल, ठीक। तो देर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एम इंटू जी इंटू कितना एल, मास तो चेन का एम ही रहेगा ना, सेंटर ऑफ मास पे टोटल चेन का मास कितना आएगा एम। कई लोग बहुत गलती करते हैं, एम बाई टू कर देते हैं, मास नहीं आधा होता, मास एक पॉइंट पर एज्यूम किया जाता है, एम जी इंटू इसके ग्राउंड से डिस्टेंस कितना है एल, तो माइनस एम जी एल, और ग्राउंड क्योंकि ऊपर लिया है तो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि पोटेंशियल जो डिक्रीज होगी नीचे की तरफ। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक। इनिशियल, इनिशियली क्या था, सेंटर ऑफ मास इस पूरी चेन का कहीं यहां कहीं होगा इसके सेंटर में, ये कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास चेन के अंदर ही होगा, हवा में कहीं पर भी हो सकता है, ये तो इमेजिनरी होता है क्योंकि, तो इसके पूरे सेंटर में, पूरे सिस्टम के सेंटर में लिया सेंटर ऑफ मास, जहां टोटल मास चेन का कितना पड़ा होगा, फिर से एम, चेन का मास तो एम ही रहेगा दोनों केस में, तो एम इंटू जी इंटू ग्राउंड से ये हाइट कितनी है एल बाय टू, एल और एल तो हाफ कितने एल बाय टू, तो कितना एल बाय टू, और साइन क्या आ गया आएगा माइनस, तो माइनस एम, टोटल मास तो एम रहेगा जी, और हाइट कितनी हो जाएगी एल बाय टू, तो व्हाट इज डिक्रीज इन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस एम जी एल माइनस माइनस एम जी एल बाय टू, दैट इज एम जी एल बाय टू माइनस एम जी एल, दैट इज माइनस एम जी एल बाय टू, और माइनस साइन ये शो कर रहा है दिस डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, कि पोटेंशियल जी बड़ी नहीं है, पोटेंशियल जी आपकी चेन नीचे गिर रही है तो कम हो रही है, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ठीक है, मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा बोल देता हूं, मैं इसको यह समझ में नहीं आ रहा कि मैंने चेंज क्यों बोला, जितने मैंने स्प्रिंग के क्वेश्चन करवाए थे ना वो एनर्जी कंजर्वेशन के थे, वो भी चेंज से सॉल्व होते हैं, दिखाता हूं कैसे। देखो हमने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वाला लेक्चर सुना था, एक बार याद करो, उसमें यह प्रूव हुआ था कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस स्प्रिंग एनर्जी, या हम यूज भी करते आए हैं रादर, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग एनर्जी सेम होती है किसी भी पॉइंट पर, या फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल स्प्रिंग एनर्जी फाइनल एंड इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू जीरो, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन स्प्रिंग एनर्जी, इसका सम हमेशा हमेशा जीरो ही रहेगा, मतलब अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, अगर ये बढ़ गई तो उतने अमाउंट से ये कम हो जाएगी, ताकि नेट आंसर क्या रहेगा, ये एनर्जी कंजर्वेशन है। पहला पॉइंट समझ में आ गया, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, मैं बोल रहा हूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस एम जी एल बाय टू, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी जीरो, और फाइनल कितनी है हाफ एम वी स्क्वायर, तो चेंज कितना हुआ हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो यहां से हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल बाय टू, एम से एम कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो वी कितना आ गया अंडर रूट ऑफ जीएल, ठीक है, यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन है। और अगर ऐसे नहीं लगाना, क्योंकि हमें हैबिट नहीं ऐसे लगाने की, हम ऐसे लगा सकते हैं कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज में क्या होगा एम जी एल बाई टू, और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज क्या होगा हाफ एम वी, आंसर सेम ही आएगा, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक।
तो कई बुक्स ऐसे भी लगाती हैं, तो आपको समझ में आएगा कि वो ऐसे क्यों बोलती हैं इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो क्या लगा रही हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। किसमें? चेन जब ऊपर हवा में लटकी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, चेन नीचे गिर गई तो किसी इंस्टेंट पर पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल रह गई, 6 जूल रह गई। क्यों? क्योंकि चेन नीचे गिर रही है, एनर्जी कम हो गई, पोटेंशियल ग्राउंड की तरफ चली गई। तो कितनी डिक्रीज हुई? 10 में से 6 गया 4, वो किस फॉर्म में बाहर निकलेगी? काइनेटिक, 4 जूल की काइनेटिक है। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ पर? ठीक, कोई डाउट है इसमें? ठीक।